बिटवीन बेटा सी ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ बेटे, आपके पास सी बेटे आपका कंकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कंकेव मिरर आपको एज सच दिया गया है, एंड ये आपके बेटे प्रिंसिपल एक्सिस हैं, एंड हेयर लाइज बेटे योर पोल, आपको दिख रहा है कि नहीं बेटा, और ये पॉइंट आपका बेटा फोकस कहलाता है, एंड हेयर लाइज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन बेटे आपने अपना ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में प्लेस किया है, यहाँ पे नाम आपने इसका बेटा ए बी जैसे आप ऑलरेडी रखा करते हो मेंशन किया। दिस रे ऑफ लाइट इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वी एक्सपेक्ट इट टू पास थ्रू द फोकस इन दिस वे बेटे। सेकेंडली हमारे पास ये रे ऑफ लाइट बेटा फोकस में से जा रहा है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वी एक्सपेक्ट इट टू बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन दिस वे। आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, ये दोनों रेज असल में लीड कर रही है बेटे, आप उधर आ जाओ, आपको थोड़ा दिख जाएगा अच्छे से, आ जा बच्चे, आ जा, मानना कर, बाद में आ जाना, इधर इधर से आ जाओ। तो ये आपके पास बेटे ये इमेज बन गया जी इन्वर्टेड ए डैश बी डैश। डियर चिल्ड्रन अगर आप करेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे तो इट इज रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड बियॉन्ड सी, और मैग्निफाइड बोल दिए, डिमिनिश नहीं मैग्निफाइड, दिस इज बेटा रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड एंड बेटा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बेटे, राइट बेटा। फ्री हैंड से ड्रॉ करेंगे आप लोग, पेंसिल और वो जो आपका है स्केल वगैरह अभी अवॉइड करिए। इसके बाद आपके पास बेटे बात आ जाती है, इसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट केस आ जाता है, फिफ्थ वन, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट एफ बेटा, ऑब्जेक्ट एट फोकस एफ बेटे, आपने वंस अगेन अपना कंकेव स्फेरिकल सरफेस या कंकेव मिरर बच्चों ड्रॉ किया, ये पेंटेड सरफेस कंकेव मिरर का, क्लियर है ना आपको, और पॉलिश्ड सरफेस बिल्कुल आपके सामने, ये आपका बेटा पोल, ये बेटे आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपने फोकस पे अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, इसका नाम आप ए बी ऑब्जेक्ट रखिए जैसे आप ऑलरेडी रखते आए हो। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, राइट। सेकेंड रे ऑफ लाइट बेटे मैं अपना जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से ही रे पास करता हुआ इमेजिन कर लेता हूं, ये रे यहां से पहले इधर जाएगा, देन स्ट्राइक होने के बाद ये इस तरीके से वापस आ जाएगा, एंड हाँ जी क्या क्या नहीं बना, बिल्कुल बिल्कुल, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी बेटा, और आपका इमेज जो होगा इस केस में इट विल बी बेटे हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड एट इंफिनिटी, रियल भी होगा और इन्वर्टेड भी होगा बेटे, राइट बेटे, यस। बैठिए बेटे, जब आप इसको व्यू करने की कोशिश करोगे आपको ये पूरा इमेज कभी भी नहीं दिखाई देगा, पहली बात, आपको इस इमेज का एक छोटा सा सेक्शन दिखाई देगा और वो भी काफी ज्यादा मैग्निफाइड। आप अपनी जो आप स्क्रीन की बात कर रहे हो जिस जगह मर्जी एडजस्ट कर लीजिए, इस तरफ और इस तरफ, आप स्क्रीन का जब एडजस्टमेंट करोगे आपको इमेज का साइज वेरी होता हुआ दिखाई देगा, बट आप पूरा इमेज नहीं देख पाएंगे,
बिकॉज पूरा तो आपका बनी इंफिनिटी पे रहा है, आपको कंप्लीट इमेज नहीं दिखाई देगा। आप अपनी स्क्रीन का जैसे जैसे एडजस्टमेंट करोगे वैसे वैसे मैग्निफिकेशन में चेंज आता आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि वो बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। एंड वी विल डिस्कस कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब हम अपने स्क्रीन को एडजस्टमेंट करते हैं तो वाई इट इज अपीयरिंग टू बी इवन मोर एनलार्ज्ड और मोर डिमिनिश्ड, तो वो हम अभी बात करते हैं इसके बाद, लेकिन पूरा नहीं दिखाई देगा बेटे। राइट बेटा, लास्ट केस है बेटे आपका कंकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बेटा। जब आपका ऑब्जेक्ट बेटा फोकस और पोल के बीच में आपने कहीं पे प्लेस किया, देन व्हाट विल बी द केस बेटे। ऑब्जेक्ट बिटवीन योर सिक्स्थ केस है बेटा, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल बेटे। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा। आपका वंस अगेन कंकेव स्फेरिकल सरफेस और आपका ये बेटा पेंटेड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस आपका फ्रंट साइड पे, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस आपने फ्री हैंड ड्रॉ करने हैं। स्केल वगैरह प्रेजेंटली यूज नहीं करेंगे आप, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप बनने लग जाएगा, कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया ए बी, ए बी ऑब्जेक्ट से एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, हम कहां से एक्सपेक्ट करते हैं इसको पास करना, फोकस से। राइट, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर जाएगा कुछ इस तरीके से बेटा। सेकेंडली आप अपना रे सी में से पास करता हुआ चूज करोगे, ये असल में ए से मिरर की तरफ गया, यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। जब आप इन दोनों रेज को इस तरफ से देख रहे हो, आप इस तरफ से जब आप देखोगे, ये आपका अपना आई है, आप यहाँ से व्यू कर रहे हो ऐसे, आपको लगेगा कि ये जो दोनों रेज हैं ये मिरर के दूसरी साइड पे इस जगह पर मिल रही है, असल में नहीं मिल रही है, दे विल अपीयर टू मीट बेटा। और यहाँ पे आपका इमेज बच्चों बन गया जी, अब देखिए सीधा बन गया है ये, इट इज बेटे वर्चुअल एंड इट इज इरेक्ट एंड इट इज मैग्निफाइड एंड इट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर बेटे। राइट बेटा, समझ आ गया सारे बच्चों को पुत्र? वो गुड़िया बेटा, दिस गर्ल, उठाओ इसको, जाओ पानी पियो बेटा, गो पानी पी आओ, जाओ चले जाओ। देन बेटे इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट केस, कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा। उसमें हमें इमेजेस कैसे दिखाई देते हैं, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट आल्सो बेटा। आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बेटा कन्वेक्स होगा तो किस तरीके से आपके इमेजेस बनेंगे कन्वेक्स सरफेस के लिए। तो डियर चिल्ड्रन, अगर आपका सरफेस कंकेव नहीं है, कन्वेक्स है, तो आप कन्वेक्स सरफेस ऐसे बना सकते हो, ये आपका बेटा, हाँ जी कोई बच्चा कुछ बोल रहा है बेटे, बताइए आपका डाउट। जो वर्चुअल आपने इधर लिखा, हाँ बोलो बोलो भूमिका सर, जो आपने सिक्स्थ पार्ट करवाया ऑब्जेक्ट बिट F and P वाला, yes sir, हाँ हाँ सर, ये वाला जो आपने लिखा virtual के आगे क्या लिखा? Virtual erect, erect का मतलब है सीधा, magnified and on the other side of the mirror। अब देखिए आपको बेटा, yes sir, okay बेटा, ये आपका बेटे देखिए once again painted surface और बच्चों ये आपके principal axis, ये आपका पॉइंट पोल कहलाता है, ये फोकस एंड लेट इट बी सी। अब इस केस में आपका ऑब्जेक्ट जो है, सपोज इट इज एट इंफिनिटी, पहली सिचुएशन में आपकी ये डॉटेड रे ऑफ लाइट इंडिकेट कर रही है कि ये बहुत दूर से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है। अगेन अनदर रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी बेटा, आपको जो रे पैरेलल आती है
you experience it to be going after reflection from the focus. और ये आपको ऐसे लगेगा, तो ये जो दोनों रेज हैं, रे नंबर वन और रे नंबर टू, ये दोनों आपको फोकस के ऊपर मिलती हुई लगती हैं, असल में नहीं मिल रही हैं, दे अपीयर टू मीट. इसका मतलब है इमेज कैसा बना, वर्चुअल एंड इट इज इरेक्ट एंड इट इज पॉइंट साइज्ड एंड इट इज एट फोकस. राइट बेटा? हाँ जी. नहीं बना सकते हैं, फिर वो टाइम ज्यादा लगेगा बेटे, घर पे आराम से बनाओ, साथ साथ चाय पियो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अभी प्रेजेंटली आप फ्री हैंड ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है जी, अगर हम बेटे स्केल एंड कंपास एंड ऑल दैट लेकर प्रेजेंटली बैठ जाएंगे तो. हाँ जी पुत्र. ये एंगल की बात कर रहे हो आप? आपका बेटा सुनो सारे स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने कल या कल से पहले तीन रेज बनाई थी जिनमें से आप कोई भी दो इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज कर लेते हो. इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज चाहिए होती है आपको. यहाँ पे नो डाउट इनफाइनाइट रेज हैं, आप उनमें से कोई भी दो चूज कर लीजिए, यू आर फ्री. आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि यही दो रेज लेनी है, आपको जो भी रे बेटर लगती है, जो आपकी रे कन्वीनियंट आपको लगती है, आप वो चूज कर सकते हैं. इट इज नो हार्ड एंड फास्ट. राइट बेटा? मैं आपको वो भी बता देता हूँ. बेटे जरा एक केस करवा लूं पहले. ये देखिए लास्ट ईयर से दो ही केसेस हैं इसके पुत्र. इमेजिन कर लीजिए आपका ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट नियर द पोल, पोल के नजदीक अगर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका बच्चों देखो कनकेव नहीं कन्वेक्स हो गया, अभी अब ये कन्वेक्स सरफेस हो गया एंड ये आपके बेटे प्रिंसिपल एक्सिस हो गए और पुत्र ये आपका क्या हो गया, और ये और ये और ये व्हाट इज दिस, ये कौन सी रे है पैरेलल वाली, कहां से आएगी, आपको लगेगा ये फोकस से आ रही है. हाँ जी, अब दूसरी रे हम सीधी सी की तरफ भेज दें. हाँ जी, हाँ जी बेटे, वाई नॉट, ये आपका गया रे, ये वापस भी आ गया. यहाँ पे आपको लग रहा है कि रेज मिल रही है, असल में नहीं मिल रही. तो दिस इज ए डैश बी डैश, आपका इमेज बन गया जी वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल इन साइज एंड ऑन द अदर साइड. बहुत बढ़िया, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल इन साइज एंड ऑन द अरे अदर साइड बेटे. ठीक है, अब आपने जैसे क्वेश्चन पूछा था जी, जो पैरेलल आ रही है वो तो चलो अच्छे से हो जाएगी, जो नहीं आ रही है व्हाट वी आर टू डू विद दैट. बेटा एक रे आपका पैरेलल नहीं आ रहा है, व्हाट वी कैन डू विद दैट रे, ये इमेजिन कर लीजिए. कंकेव सरफेस में चूज कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका पेंटेड सरफेस एंड ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस और ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सी. राइट, मान लीजिए मैंने ये रे चूज कर लिया, ना पैरेलल ना फोकस में से ना सी में से. राइट, यही कह रहे थे आप बेटे, ये क्वेश्चन पकड़ा है ना मैंने. अब ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए आपको, आप सिंपली एंगल ऑफ इंसिडेंस देख लो कितना है, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनाएंगे आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनाएंगे हम, बोर्ड पे बनाएंगे, चौक से बनाएंगे. गुड, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने भाई. ये आपका नॉर्मल बन गया. राइट बेटा, ये एंगल क्या कहलाता है, ये किसके बराबर होगा, ये आर आ गया,
तो आप ऐसे बना लोगे, राइट। ये रादर बहुत साल पहले सीबीएसई में पूछा भी गया था, एग्जैक्टली उन्होंने क्या दिया था, क्वेश्चन पे लिखा हुआ था, इंसिडेंट रे इज गिवन टू यू, ड्रॉ द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। आपको ये बना के दी हुई थी। कई बच्चों ने सोचा कि ये उन्होंने बनाने में गलती कर दी, उन्होंने फोकस में से निकाल दी, कईयों ने इसमें से निकाल दी, ऐसा नहीं करना। तो अकॉर्डिंगली हमने इसका जवाब दे देना, राइट। अरे नहीं दिया नहीं होगा, उन्होंने ये सिंबॉलिकली दिया है कि अगर आपका रे ना पैरेलल है, ना फोकस में से जा रहा है, ना सी में से जा रहा है, तब क्या करेंगे, तब हम इसको ऐसे कर देंगे ना, ये लो खत्म बात, आई आर लिख दो, दैट्स ऑल। इमेज को छोड़ो, आपको रे बनानी थी, बना दी आपने, हमें ऑब्जेक्ट ही नहीं पता कहाँ पे है ना बेटा, अगर वो देंगे तो अकॉर्डिंगली हम भी बना देंगे, राइट। इसके बाद बेटी, बिफोर प्रोसीडिंग विद द मिरर फॉर्मूला, मैं दो तीन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, आप उनको पढ़िएगा ज़रूर। आपका जो कंकेव मिरर हमने डिस्कस किया है, इसके कौन कौन से यूजेज हैं, कंकेव मिरर को डेंटल सर्जन यूज करते हैं आपके टीथ में कैविटीज देखने के लिए, कंकेव मिरर को टॉर्च लाइट्स में रिफ्लेक्टर की जगह पर यूज किया जाता है, यहाँ पे बल्ब होता है, ये पीछे वाली सरफेस आपकी कंकेव होती है, आपके व्हीकल की हेडलाइट्स में रिफ्लेक्टर कंकेव होते हैं, राइट उत्तर। और इट इज आल्सो यूज्ड एज ए शेविंग मिरर, जो फेस की डिटेल्स को देखने के लिए जो लोग मतलब इस प्रोफेशन के साथ अटैच्ड हैं, वो कंकेव मिरर को एज ए शेविंग मिरर भी यूज करते हैं। और बच्चों कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, इट इज यूज एज ड्राइवर्स मिरर, कार्स में, बसेस में, आपके एक्टिवा में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, वो साइड पे मिरर देख रहे हो ना लगे हुए, वो सारे कंकेव नहीं कन्वेक्स हैं। इनका कन्वेक्स मिरर का फायदा ये होता है कि दे हैव वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप स्कूटर एक्टिवा की सीट पे बैठे हैं, आपको पीछे से सब कुछ दिख जाता है, लेकिन दिखता छोटा छोटा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, छोटा बना ना इमेज। सो इन दिस वे बेटा, बिकॉज इट हैज वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू, आप इसको एज ड्राइवर्स मिरर यूज कर सकते हो। और इसको दूसरी बात, फ्लड लाइट्स में भी यूज करते हैं। फ्लड लाइट्स का मतलब, फ्लड लाइट का मतलब फ्लड नहीं होता, फ्लड लाइट का मतलब होता है कि बहुत बड़े बड़े ग्रीनरीज हैं, वहां पे बहुत ज्यादा एरिया पे लाइट चाहिए, पीछे कंकेव की जगह पर वो कन्वेक्स रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, देन लाइट बहुत ज्यादा स्कैटर कर जाती है और बहुत ज्यादा दूर तक वो एरिया कवर कर लेती है। जब आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हुए हो, ये पढ़ाई है ना आपका ऑब्जेक्ट, ये देखो किधर जा रही है, ये यहाँ से अगर एक आपका रे इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, कुछ ये रे जरूरी नहीं कि यही हमें लेना है, तो ये भी रेज आ ही रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, तो ये देखिए एरिया बढ़ रहा है, दैट्स इट, राइट बेटा। एक कंकेव का यूज आपको मैं बताना भूल गया, कंकेव मिरर को एज ए आप बेटे वहां पे सोलर कुकर में भी यूज करते हो, कंकेव मिरर को सोलर कुकर्स में भी यूज किया जाता है, और उसको आप डायरेक्टली बेटा फूड वगैरह आइटम्स जो हैं लो टेम्परेचर पे बन जाती हैं, उनको बनाने के लिए यूज करते हैं। तो आपका काम पुत्र सारे बच्चों का यही है, यूजेस ऑफ कंकेव मिरर, इनको आपने खुद लिखना है आज 4-5 पॉइंट्स, और यूजेस ऑफ कंकेव मिरर आपने 2-3 पॉइंट्स जो भी हमने डिस्कस किए इनको एक बार आपने अकॉर्डिंगली बेटे लिख लेना है, राइट बेटा। हाँ जी, कन्वेक्स मिरर बिल्कुल बेटा, आप जब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जहां पर वो बिल के लिए बैठे हैं या ओनर ऑफ द मॉल या शॉप बैठे हैं, उनके पास यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर लगा रहता है। वो मिरर बेटे बिकॉज उसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत वाइड है, वो उसमें ऐसे देखते रहते हैं, उसमें सारा पता चलता रहता है कि किस कॉर्नर पे कौन है, क्या कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो यूज एज ए सिक्योरिटी मिरर, वेरी गुड पॉइंट बेटा, राइट बेटा।
आजकल तो इसको बेटे ब्लाइंड आपकी जो टर्न्स हैं, जैसे आप यहाँ से निकले आगे पता ही नहीं है कि कोई गाड़ी आ रही कि क्या आ रहा है, सामने कन्वेक्स मिरर बड़ा लगा होता है, सीधा उसमें देख कर पता चल जाता है कि आपका ट्रैफिक है कि नहीं है, राइट। सो दीज आर द यूजेस बेटे। इसके बाद बेटे हमारे पास है साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस इन मिरर्स। पहला साइन कन्वेंशन है बेटा, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। आप पोल से डिस्टेंसेज का मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, मतलब आप अपने स्केल का जीरो कहां रखोगे, पोल पे। दूसरी बात, ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। आपने पोल से डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट किया, जिस तरफ आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो अगर लाइट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। एंड ऑल द डिस्टेंसेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे दीज आर टेकन एज नेगेटिव, राइट पुत्र। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले डिस्टेंसेज पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव। द डिस्टेंसेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपवर्ड्स दीज आर टेकन पॉजिटिव, द डिस्टेंसेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड डाउनवर्ड्स दीज आर टेकन एज नेगेटिव। बेटा इन साइन कन्वेंशंस को अपने माइंड में रखिए, अकॉर्डिंगली वी विल बी मैनेजिंग द थिंग्स विद इट। समझ में आ गया पुत्र सारे बच्चों को? फोर्थ वाला, फोर्थ वाले का मतलब बेटे ये है कि ये आपका कंकेव मिरर है, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं, और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं, मान लीजिए ये वाला साइज कह रहा हूं मैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इसको आप पॉजिटिव लोगे, अगर इमेज आपका ऐसे नीचे बन रहा था इसको नेगेटिव लोगे, राइट बेटा। ये फोर्थ और ये फिफ्थ। हां जी पुत्र, ये वाला परपेंडिकुलर सिंबॉलिकली लिख दिया है ताकि आपका टाइम बच जाए, राइट। चलें जी आगे। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम बेटे, नो प्रॉब्लम, आराम से कर लो, कोई बात नहीं। है 10 मिनट्स ना, चलिए बेटे आगे चलते हैं। देन हो गया बेटा, कर लीजिए कर लीजिए। हाँ जी समझ आ गया सारा पुत्र। इसके बाद बेटे मिरर फार्मूला देखें क्या है, कैसे हम उसको बेटा डिस्कस कर सकते हैं। और बेटे हो गया जी ये पुत्र? ओके ओके, दोनों ही रहने देता हूं मैं। मिरर फार्मूला बेटा, बेटे मिरर फार्मूला जो है इसमें तीन टर्म्स हमारी आती हैं। एक आ जाता है यू, इसको आप बोल देते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक आ जाता है वी, इट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। एक आ जाता है एफ, इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और आपको मैंने बताया भी था आई थिंक, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ होता है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल ऑफ द फोकल लेंथ होता है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। चलें जी आगे। आओ बच्चों मिरर फार्मूला देखें करके क्या है, कैसे है, कर सकते हैं हम कैसे।
आइए कंसंट्रेट करें बेटे, स्टार्ट करूं मैं? ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये बेटे आपके पास आपका कंकेव स्फेरिकल मिरर, साथ साथ बना लीजिएगा, हमारा टाइम लिमिटेड है। और ये आपका पेंटेड सरफेस, फ्रंट वाला सरफेस आपका पॉलिश्ड होगा, होना चाहिए रादर। ये आपका बच्चों पोल बन गया जी, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया, ए बी इसका नाम रखा, हाइट इसकी एच कह दो, एच वन कह दो चाहे। इससे एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है और ये फोकस में से वापस आ जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, लेट मी कॉल इट एज डी। इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेट मी कॉल इट एज पॉइंट एल। एक बेटा मैं सी से पास करता हुआ रे कंसीडर कर लेता हूं, ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही वापस आ जाएगा रे। यहाँ पे ये दो रेज असल में मिल रही हैं, ये आपका इमेज बन गया पुत्र जी ए डैश बी डैश। इट इज रियल इनवर्टेड स्मॉल इन साइज बिटवीन फोकस एंड सेंटर। हाँ जी, ए बी खुद ऑब्जेक्ट है। हाँ हाँ, दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी बेटा, आप मिरर के सामने खड़े हो तो यू विल सी द इमेज। ये इसका साइज बेटे एच टू कह देते हैं फॉर द टाइम बी। अब बेटे सारे ही बच्चे जरा ध्यान से। हाँ जी पुत्र बोलो, है वो कर लिया आपने रियल इन्वर्टेड स्मॉल इन साइज बिटवीन सी एंड एफ। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई देख रहे हो, ये छोटी वाली दोनों ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये राइट एंगल है, दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा हो जाएगा, दीज आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी। चेक करके बताइए, दिस साइड बाय दिस साइड, दिस साइड बाय दिस साइड, लिख सकते हैं ना। आ जाइए आगे, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एफ डी एल, ये वाली दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए, राइट एंगल हो गया, तीसरा बराबर हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गई। देन वी कैन राइट दैट आपका डी एल, सॉरी ए डैश बी डैश पहले लिख लो, ए डैश बी डैश अपॉन डी एल, इट इज बी डैश एफ अपॉन एल एफ। डी एल को ध्यान से देखिएगा, ये ए बी के बराबर है, डी एल आपका ए बी के बराबर है ना पुत्र, तो इसकी जगह पे मैं ऐसे ए बी लिख सकता हूं, लिख ही सकता हूं ना। तो ये दो इक्वेशंस की देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई, राइट हैंड साइड कैन बी इक्वेटेड, बी डैश सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एल एफ। एल पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, एल पॉइंट आपका पोल के काफी नजदीक है, एल को मैं पी से रिप्लेस कर देता हूं बिकॉज इट इज वेरी मच नियर टू द पोल, राइट? समझ आ गई बात। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका बी डैश सी, ये बी डैश है ये सी है, हमने कहा था सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं, तो ये बनेगा पी सी माइनस पी बी डैश लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, इट विल बी पी सी माइनस पी बी डैश अपॉन बी सी को देखिए, ये बी सी है, इट विल बी पी बी माइनस बी सी कर दूं, पी बी माइनस पी सी, दिस इज इक्वल टू बी डैश एफ को देखिएगा, इसको मैं पी बी डैश माइनस बी एफ कर दूं,
पी बी डैश माइनस ऐसे ही होगा ना पुत्र, पी एफ तो ऑलरेडी पी से ही है, उसकी जरूरत ही नहीं है, इट इज पी एफ। अब मुझे ध्यान से देख के बताइएगा सारे बच्चे, पी सी, पी से मैं सी तक का डिस्टेंस अगर मेजर करूंगा, ये बच्चों आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी डबल ऑफ द फोकल लेंथ है ना। साइन कन्वेंशन क्या कहती है, इसको नेगेटिव लेंगे, आप उल्टा जा रहे हो, लाइट इधर आ रही है, माइनस टू एफ लिख दो, पी बी डैश ये डिस्टेंस आपका इमेज का डिस्टेंस कहलाता है, इधर जा रहे हो आप इधर आ रहे हो, अपोजिट हो गया, माइनस माइनस प्लस वी आ गया, पी बी इधर जा रही है आप इधर आ रहे हो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका, इट विल बी माइनस यू, इसको आपने ऑलरेडी माइनस टू एफ बोला हुआ है, इट विल बी प्लस टू एफ, पी बी डैश माइनस वी, पी एफ, पी से लेकर एफ फोकल लेंथ, ये आपके पास चेक कर लीजिए, ये चीज बन गई, ये आपका फोकल लेंथ था ना बेटे पी एफ, राइट। आप इधर जा रहे हो, लाइट इधर जा रही है, दैट इज वाई नेगेटिव, साइन कन्वेंशन तो यही कहती है। अब प्यारे बच्चों इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आइए देखें फिर क्या मिलता है। एफ को इधर मल्टीप्लाई किया, टू एफ स्क्वायर आ गया, इधर किया माइनस वी एफ आ गया, है ना। अब मैं पहले v से करूंगा, इट इज यू इन टू वी, माइनस टू वी एफ आ गया, अब f से करूंगा माइनस यू एफ एन प्लस टू एफ स्क्वायर आ गया पुत्र, इज इट जस्टिफाइड, ये खत्म हो गया टू एफ स्क्वायर से टू एफ स्क्वायर, है ना पुत्र। और ये देखो यू वी को मैं इधर ही रहने देता हूं, ये दोनों टर्म्स को इस तरफ ले आते हैं, राइट। ये टू वी एफ है इधर आके प्लस का टू वी एफ हो गया, उसमें से एक वी एफ माइनस हो गया, सिंपली वी एफ रह गया, ये दो वी एफ है ना इधर आके प्लस का हो गया, एक बीच में से निकल गया तो एक बच गया, इसको भी इधर ले आइए प्लस यू एफ कर दें, यू भी रहने दें, डिवाइड थ्रू आउट बाई यू वी एफ, दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए, आइए देखें हमें क्या मिलता है। वी विल गेट वी एफ ओवर यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज यू वी अपॉन यू वी एफ बेटा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, आपने कर दिया, वन बाई यू प्लस वन बाई एफ, सॉरी बी इज वन बाई एफ, राइट बेटा। यही आपका बेटे मिरर फार्मूला है, और आपका मिरर फार्मूला आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ में रिलेशनशिप बताता है। मिरर फार्मूला जो है इट गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन U, V and F बेटे, F छोटे वाले। हाँ जी, डेरिवेशन पार्ट इज नॉट इन योर सिलेबस, एक मिनट में समझा देता हूँ बेटा। डेरिवेशन पार्ट हमारे